मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश ही रही, ये उनके पूर्वजों की जन्मभूमि थी। अटल जी ने अपनी कर्मभूमि के रूप में बलरामपुर लखनऊ को चुना। बलरामपुर में भी सरकार की ओर से विकास का काम जो है किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी की मूर्ति यहां से लोकतंत्र का संदेश देगी। 1947 से 2016 तक यूपी में सिर्फ 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा थी, लेकिन 2017 से अभी तक 45 जिलों में इस सुविधा को पहुंचाया गया है। इसके अलावा यूपी को 13 नए मेडिकल कॉलेज भी मिले हैं। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है, तब तक आरएमएल अस्पताल में इसकी सुविधाओं को शुरू किया जाएगा। अपने इतिहास का एक पाठ्यक्रम तय किया, उनकी प्रतिमा का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और साथ ही साथ अभी हाल ही में आपकी अनुकंपा से उत्तर प्रदेश को 13 नए मेडिकल कॉलेजेस उपलब्ध हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। इस मेडिकल कॉलेज से अभी प्रारंभ, हम इसको मेडिकल कॉलेज हमारा जब तक भवन इसका प्रथम फेज का प्रारंभ बन करके तैयार होगा, तब तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में इसे अस्थायी रूप से संचालित करने की कार्रवाई हो रही है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 40 तत्काल इससे संबद्ध होने जा रहे हैं, 17 डेंटल कॉलेजेस इससे संबद्ध होने जा रहे हैं, 210 नर्सिंग कॉलेजेस इससे संबद्ध होने जा रहे हैं और 89 पैरामेडिकल के कॉलेजेस, यानी कुल 356 संस्थाओं की संबद्धता इस मेडिकल यूनिवर्सिटी से तत्काल प्रारंभ होने जा रही है।